का स्वागत है मेरे चैनल चॉकलेट्स एंड मोर विद श्रुति में। मैं श्रुति हूँ और आज मैं आपको कटहल की बहुत ही मसालेदार सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कटहल लिया है, करीब 250 ग्राम कटहल है जिसको मैंने काट लिया है, धो लिया है और इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके इसको छोड़ा है। अब सबसे पहले मैं जो काम करूँगी वो ये कि मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है, बहुत बड़े साइज़ में नहीं है, और इसको मैं तेल में फ्राई करूँगी। उसके अलावा मुझे मसाले के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं ये 2 मीडियम साइज़ प्याज, 2 मीडियम साइज़ टमाटर, थोड़ी अदरक, लहसुन, मिर्चा मैंने 4 मिर्चें लिए हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसलिए क्योंकि ये मिर्चें जो हैं बहुत ज़्यादा तीखे नहीं हैं इसलिए मैंने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन आप चेक करके देखिएगा, जो मिर्चें तीखे अगर हैं तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा। इन मसालों का मैं पेस्ट बनाऊंगी, इनको मैं ग्राइंड करके पेस्ट बनाऊंगी। और ये सूखे मसाले जो मुझे ज़रूरत पड़ेंगे, काली मिर्च थोड़ी सी, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर, उसके अलावा हींग और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मैं ये करूँगी कि मैं मसाला अपना पीस के रख लूँगी और कटहल को फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं अपना मसाला पीस लूँगी और उसके बाद मैं कटहल फ्राई करूँगी। तेल अब गर्म हो गया है कढ़ाई में और मैं अब थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा बैचेस में कटहल अपने इसमें फ्राई करूँगी। तो शुरू करते हैं। जब आप इसमें तेल में डालेंगे थोड़ा सा क्रैकल होगा तो उससे परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कटहल जब आप धोएं उसके बाद उसको थोड़ी देर के रख दें जिससे उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए। अब बिल्कुल तो नहीं सूखेगा लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उसका पानी निकल जाए तो ज़्यादा सही रहता है। अब मैं इसको पकने दूंगी हाई फ्लेम पे और ये जब तक ब्राउन से नहीं हो जाए, गोल्डन ब्राउन से, तब तक इनको दोनों साइड्स पकाएंगे और इनको फिर बाद में एक प्लेट में किसी बर्तन में निकाल के रख लेंगे, फिर हम अपना आगे की डिश को पूरा करेंगे। ये देखिए ये गोल्डन सा हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये अभी बिल्कुल अंदर तक नहीं पका है लेकिन ये ऊपर से क्रिस्पी हो गया है। और अब जब हम इसको कुकर में सीटी में पकाएंगे मसाले के साथ तो ये और अच्छे से पक जाएगा। मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, मैं छोटे छोटे बैचेस में इसको पका रही हूँ। तो इस तरह से हम सारा कटहल फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा कटहल फ्राई कर लिया है और अपने चूल्हे पर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया है बड़ा, जिसमें सारा कटहल और मसाला सब आ जाएगा। और जो तेल मैंने फ्राई करने के लिए यूज़ किया था मैं वही वाला ऑयल यूज़ करूँगी क्योंकि उसको फेंका नहीं जा सकता, वेस्टेज होगी, तो वही वाला ऑयल मैं यूज़ करूँगी मसाला भूनने के लिए भी। तो इसका पानी सूख जाए उसके बाद हम मसाला भूनना स्टार्ट करते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च और लौंग। ये हल्का हल्का पकने लगेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम
इसमें डालेंगे हींग और अपने जितने सूखे मसाले थे पाउडर वाले वो सब भी इसमें डाल देंगे। हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपने गीला मसाला जो हमने प्याज और टमाटर मिर्चा अदरक लहसुन पीसा था। और इसको भूनेंगे और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल छोड़ने ना लगे, अच्छे से पक जाए, इसका पानी की क्वांटिटी कम हो जाए और ये तेल छोड़ने लगे, तब तक हम इसको तेज फ्लेम पे भूनेंगे। ये देखिए ये भुन रहा है और ये अच्छा ब्राउन कलर का हो गया है और ये थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ने लगा है। थोड़ा और पकाएंगे और फिर इसमें अपने स्वाद के अनुसार आप नमक मिला सकते हैं। ये देखिए मसाला भुन गया है, अब मैं इसमें अपना कटहल मिलाऊंगी। देखिए पानी पूरा उड़ गया है और मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ कटहल मिलाऊंगी और हिसाब से इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी जिससे कि कटहल को पकने में आसानी होगी। और उसके साथ प्रेशर कुक करूंगी, दो सीटी के बाद 5-10 मिनट के लिए इसको रखेंगे धीमे पे और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैंने इसमें कटहल मिला दिया देखिए और ये अच्छे से मिक्स कर दिया है जिससे सारा मसाला इसमें कोट हो गया है। और थोड़ा सा पानी मिला करके अब मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी, 2 सीटी के बाद 10 मिनट के लिए धीमे पे करके और इसको पका लीजिए और फिर ये सर्व करने के लिए रेडी है। कटहल की सब्जी रेडी हो गई है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, आप ग्रेवी ज़्यादा चाहें तो इसमें पानी और मिला सकते हैं। और इसको हम सर्व करेंगे स्टीम्ड राइस के साथ, रोटी के साथ भी ये बहुत ही अच्छा जाता है। तो आइए इसको अब प्लेट अप करें।